अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों बिलाखर फाइनल मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर T20 का वर्ल्ड कप जीत ही लिया। इंडिया का 2011 के बाद ये पहला ICC का बड़ा टूर्नामेंट था जो इन्होंने अपने नाम किया। मैच जीतने के बाद इंडिया के तमाम प्लेयर्स काफी इमोशनल भी नजर आए और वो अपनी शानदार जीत को देख कर खुशी के मारे रोने लग पड़े। एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल बदनाम नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया एक बेहतरीन टीम साबित हुई और बिलाखर इन्होंने दूसरी मर्तबा T20 का टाइटल अपने नाम किया। टूर्नामेंट के शुरू से लेकर आखिर तक टीम इंडिया एक मजबूत टीम के तौर पर सामने आई जिन्होंने बगैर कोई मैच हारे ICC का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। दोस्तों इंडिया के ओपनर्स हो, मिडिल ऑर्डर हो या फिर उनकी बॉलिंग, तमाम की तमाम इस टूर्नामेंट में लाजवाब रही। इंडिया के साथ हमारे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि इंडिया की ये टीम वाकई ये वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी क्योंकि इन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोहली का ये है कि ये एक ऑलराउंड बैट्समैन है, इनके अंदर तीन चीजें हैं। याद रखें, बैट्समैन बनने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक टैलेंट, दूसरी है टेक्निक। इनकी स्ट्रोक्स के अंदर एक नाप तोल के खेलने वाली गेम नजर आती है, ऐसे मारते नहीं है, यानी हिटिंग नहीं करते, स्ट्रोक प्ले करते हैं। और तीसरी चीज टेम्परमेंट। टेम्परमेंट का मतलब यह है कि आप